हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो फ्रेंड्स देखो, गर्मियों का मौसम अब स्टार्ट हो गया है और जो समर का मौसम था वो धीरे धीरे जो है जाते रह रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं चाहे वो छोटे बच्चे हैं। तो इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि 0 to 6 month के बच्चों को अगर सर्दी जो है खांसी जुकाम हो जाता है तो आप ऐसे क्या होम रेमेडीज यानी घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जिससे आप बच्चों को जो है घरेलू उपाय के थ्रू भी जो है ठीक कर सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको कई सारे ऐसे अपने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी या टिप्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला टिप्स मेरा क्या है, जब भी आपके बच्चे को जो है सर्दी जुकाम खांसी जो है स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, आप 1-2 दिन रुकिए। अगर आपको लगता है कि उसमें आपने घरेलू उपाय वगैरह कर लिए हैं तो भी आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी रिजल्ट जो है नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप जो है अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर के जरूर डॉक्टर की कंसल्ट लीजिए। देखो आप जो है छोटा बच्चा है उसमें ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, बेबी की चेस्ट वगैरह जो है चेक करते हैं, उससे वो ये चीज मतलब गैस करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन वगैरह जो है बच्चे के लंग्स तक तो नहीं चले गया है, क्योंकि अगर बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह चले जाता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इशू कर सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला टिप्स मेरा है कि जब भी आपके बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप जो है तुरंत ही अपने बच्चों को जो है डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। देन आप 1-2 दिन रुक सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। सेकेंड है, आप बच्चों को जो है स्टीम दे सकते हैं। देखो स्टीम आप बहुत ही, अपने बच्चा छोटा है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको स्टीम देनी होती है। देखो आप स्टीम भी जो है 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला स्टीम क्या है, जो स्टीमर आता है उसमें से क्या होती है ना, स्टीम वो भाप निकलती है, तो आप क्या करिए, बच्चे को एक डिस्टेंस में रखना है आपको, बिल्कुल चिपका करके भाप के वहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि उसमें से जो है ना गर्म भाप आ रही है, अगर आप बच्चे को ज़्यादा चिपका करके उसमें रख देंगे तो बच्चे को जो है जलने वलने या हार्म होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड है, आप क्या करिए, अपने वॉशरूम में जो है शावर को ऑन कर दीजिए, उसमें से गर्म बिल्कुल पानी निकले तो वो जो भाप जो है अंदर बन जाती ना बाथरूम के अंदर या वॉशरूम के अंदर, उसमें आप बच्चे को लेकर के खड़े हो सकते हैं। जो भी बच्चा उस चीज़ को, जो गर्म जो एयर होती ना उसको इनहेल करेगा, तो उसका जो भी म्यूकस हो गया वो थोड़ा थिक हो रखा है वो क्या होगा, पतला होगा, और देन वो जब कभी बच्चा जो है पतला होता है तो फिर वो पॉटी के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है। तीसरा क्या है, ये मेरा जो है बहुत ही फेवरेट है, मैं आज तक अपने बेटे जो है काबिज में ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ। देखो अब तो वो 3 ईयर का हो गया, तो मैं वो चीज़ जो है अभी भी उसको कभी सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ। आपको क्या करना है, एक जैसे बाउल में जो है सरसों का तेल लीजिए, या आपका बच्चे को जो भी तेल सूट करता है, या जैतून का तेल आप ले सकते हैं, उसको थोड़ा जो है गरम कर दीजिए। गरम करने के बाद आप क्या करिए, उसमें 2 से 3 कलियां जो है लहसुन की डालिए, और देन अजवाइन भी डाल सकते हैं, कई लोग हींग भी डालते हैं, तो उससे क्या होगा ना, तेल की जो गर्माहट होगी वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या करिए, जब उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद जो है आप अपने बच्चों के जो है हाथों में इस तरीके से लगा सकते हैं, देन ये नेल्स के वहाँ पर लगा सकते हैं, और जो पैर के जो तले होते हैं उसमें लगा सकते हैं। कई लोग जो है बच्चों के चेस्ट हो गया और बैक में भी लगाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि कहीं बच्चे की बॉडी जो है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि 0 to 6 month के बच्चे ना बहुत छोटे होते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं बच्चे को कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। उसी के बाद जो है आप चेस्ट और बैक में उसको जो है लगाइए, अगर अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप जो है चेस्ट में और बैक में भी लगा सकते हैं। फोर्थ है कि जैसे जायफल, आप क्या करिए ना, जायफल का एक टुकड़ा लीजिए, उसको क्या करिए, एक खुरदुरे वाली चीज़ जैसे जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं उसमें जो है घिस लीजिए उसको, या कहीं पर ऐसी खुरदुरी जो जगह है वहाँ पर करिए, उसको घिस लीजिए, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करने के बाद एक पेस्ट जैसा निकल जाता है, देन जैसे आप जो है सरसों का तेल या जैतून का तेल गर्म कर करके अपने बच्चों के हाथ वगैरह पैर वगैरह में जो है अप्लाई करते हैं, उसी तरह आपको जायफल का भी यूज़ करना है।
फिफ्थ क्या है कि आप बच्चों की नेजो क्लियर का यूज कर सकते हैं। देखो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप जब नेजो क्लियर जो है खरीदेंगे तो आप, मैं इस पिक्चर्स में भी आपको दिखा दूंगी, इस तरीके का जो है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप ये चीजें जो है ले सकते हैं। जब भी आपका बच्चा जो है दूध पीने में उसको कोई दिक्कत होती है, उसके जो है 5 या 10 मिनट पहले, तो आप बच्चों की क्या करिए ना, एक दो बूंद वगैरह जो है नाक में डाल दीजिए। उससे क्या होगा ना, बच्चे का जितना भी म्यूकस वगैरह यहाँ पर कोई इकट्ठा हो रखा होगा वो क्लियर हो जाएगा और बच्चे को जो है दूध पीने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो क्या होता है ना, सर्दी जुकाम एक ऐसी चीज होती है और बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है तो क्या होता है ना, बच्चे को दूध पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आपको नेजो क्लियर का यूज करना है। देन उसके बाद जो है बच्चे की जो नेजल जो होते हैं ना वो थोड़े क्लियर हो जाते हैं, ऑब्वियसली बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से जो है दूध ले लेता है। आपको एक चीज का और ध्यान देना है, वो क्या है कि जब भी आपके बच्चे को जो है सर्दी खांसी या ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं तो आपको क्या करना है ना, बच्चे का दूध का जो टाइम ड्यूरेशन है ज्यादा लंबा नहीं रखना है। वो क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना उसको इतना सारा उसके नाक में म्यूकस वगैरह जो है जमा रहता है तो वो प्रॉपर तरीके से जो है दूध को सक नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा ही अमाउंट में दूध लेता है। तो आपको क्या करना है ना, ज्यादा जल्दी जल्दी बच्चों को जो है दूध पिलाना है। जैसे आप 2 से 3 घंटे का टाइम आपने रख रखा है तो आप क्या करिए, 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है बच्चों को बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में जो है दूध पिलाते रहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को भी काफी आराम मिलेगा क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का एक ऐसा स्रोत है ना, वो बहुत ज्यादा बच्चे को जो है रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आप ये वाली जो है टिप जो है ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ है कि हॉट कंप्रेस। देखो आप बच्चों को क्या करिए ना, जब आप जैसे कॉटन का या कोई सूती का कपड़ा ले लीजिए या हैंकी ले लीजिए, आपको क्या करना है उसमें प्रेस कर लीजिए या उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। देन उसके बाद जो है अपने बैक वाले एरिया में थोड़ा सा जो है टच कर करके देख लीजिए कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म होगा ना तो वो बेनिफिट देने के बजाय जो है बच्चे को जो है हार्म कर सकता है, उसकी स्किन को जो है जला सकता है। तो आपने जैसे ही कपड़ा जो है थोड़ा गर्म करा तो इसके बैक वाले एरिया में अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा उसको सहन कर सकता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे के चेस्ट में और बैक वाले एरिया में जो है धीरे 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 जो है प्रेस करना है। उससे भी बच्चों को ना बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो आप ये वाला टिप्स जो है बच्चों के ऊपर जरूर अप्लाई करिए। सिक्स है कि आपको क्या करना है ना, स्पंज बच्चों को जरूर देना है। देखो कई लोगों का मानना है कि सर्दी जुकाम कोल्ड में जो है बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपकी चॉइस है। ठीक है, आप नहीं नहलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ना, एक मतलब स्पंज जो है बच्चों को जरूर उसके पूरे बॉडी को जो है क्लीन कर लीजिए या एक पोछ लीजिए, स्पंज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, बच्चे को फ्रेशनेस फील होती है और बच्चा जो है जल्दी ठीक होता है। तो आपको ये वाला टिप्स भी जरूर से जरूर ट्राई करना है। लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो नेबुलाइजर का यूज जो है आप अपने बच्चों के लिए घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आप डॉक्टर की कंसर्न से ही ये चीज जो है अप्लाई करें। देखो ये जो मैंने आपको पहले बताई है वो सारी चीज तो आप जो है एक घरेलू तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन नेबुलाइजर जो है आप बिना एडवाइस के नहीं बच्चों में अप्लाई करें। देखो आप नेबुलाइजर बच्चों के जब लगाते हैं मास्क के थ्रू, जो इस पिक्चर्स में ना आपको दिखा रखा है, आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बहुत जल्दी एक अच्छे बेस्ट रिजल्ट निकल करके आते हैं। देखो स्टीम वगैरह में क्या होता है ना, बच्चा उसको क्या करता है ना, अगर आप उसको ज़्यादा नज़दीक रख देंगे बच्चे के फेस के तो जलने वलने का थोड़ा डर रहता है। तो नेबुलाइजर में एक ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको डायरेक्ट जो है मास्क लगा करके बच्चे के जो है नाक में लगा सकते हैं। उससे क्या होता है ना, एक ठंडी जो एयर जैसी ही निकलती है तो उस बच्चे जो है ना बहुत जल्दी उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आता है स्टीम के अकॉर्डिंग। बट आपको अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के नेबुलाइजर का यूज जो है अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई ना करें। देखो मैंने आपको इसमें खुद के ऐसे एक्सपीरियंस जो है मैंने आपको बताए हुए हैं। मैंने ये जो सारे एक्सपीरियंस है ना मैंने सारे ट्राई करे हैं, लेकिन एक नेबुलाइजर एक ऐसी चीज है मैंने बिना डॉक्टर के कंसर्न के नहीं जो है बच्चों के ऊपर अप्लाई किया है। और प्लस कभी ऐसे अप्लाई करने की जब जरूरत पड़ी भी है तो मैंने
मैंने हॉस्पिटल पे जाकर के ही डॉक्टर की जो है एक निगरानी के अंडर ही जो है मैंने बच्चे के ऊपर जो है नेबुलाइजर यूज किया है। आप भी ये चीज़ जो है ट्राई कर सकते हैं, इससे जो है बहुत जल्दी अच्छा और मतलब बेस्ट रिजल्ट निकल करके ही आता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि नेबुलाइजर जो है दवाई होती है, ऐसा नहीं है। देखो आप जो है पानी और नमक डाल करके भी उससे भी एक अच्छी स्टीम आती है, तो वो वाली चीज़ भी आप जो है घर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके तो ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से भी नेबुलाइजर का जो है यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने आपको इतने सारे टिप्स बता दिए हैं, इतने सारे घरेलू उपाय बता दिए हैं, तो आप अपने बच्चों पे जो है अप्लाई करिए। और देन कभी भी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या बच्चा आपका दूध पीना जो है उसने बिल्कुल भी छोड़ दिया है, तो आपको इमीडिएट जो है अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है या डॉक्टर के जो है टच में आपको जरूर रहना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, और आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई है तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।